राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के बाद सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर निर्माण की मांग उठने लगी है। लेकिन इसी बीच अब सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। शास्त्री और रामभद्राचार्य के अलग अलग जन्मस्थली बताना सीतामढ़ी को किस ओर ले जाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के मुताबिक माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम है, जहां माता सीता प्रकट हुई थी। जबकि प्रसिद्ध शास्त्री बलवंत शास्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माता सीता की प्राकट्य स्थली जानकी स्थान को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरा सीतामढ़ी ही माता सीता की जन्मस्थली है। सीतामढ़ी के अंदर पुनौरा है, ना कि पुनौरा के अंदर सीतामढ़ी। बता दें कि सीतामढ़ी में दो जगह पर माता सीता का मंदिर है और दोनों ही मंदिर के महंत इसे माता सीता की जन्मस्थली बताते हैं। पूर्ण विकास होना चाहिए। ऐसा विकास क्या कारण है कि राम अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय नहीं विश्व स्तरीय एयरपोर्ट बना। हमारे यहाँ पर तो ट्रेनों ठीक से नहीं बना है अभी तक। हमारे यहाँ वो बोलते ब्रिज बन रहा था, वो कितने वर्षों से ब्रिज वैसे ही लटका पड़ा हुआ है। सीतामढ़ी के विकास के नाम पर क्या है, कुछ नहीं है। इसीलिए जबकि होना तो ये चाहिए था सीता या चरितम्बर। हमारे यहाँ सीताराम होता है, राम सीता नहीं होता। हमारे यहाँ राधा कृष्ण होता है, कृष्ण राधा नहीं होता है। हमारे यहाँ आपके यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, हमारे यहाँ नारी की पूजा होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नारी की गरिमा का सर्वोक्त कृष्ण उदाहरण है तो माँ परम्बा भगवती सीता है। इसीलिए सीता के विषय में गलत प्रचार करना, भ्रमित करना, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दुष्कर्म है। इस दुष्कर्म से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। बाकायदा सीतामढ़ी का चौहत्ती दिया है कि सीतामढ़ी के अंदर में कौन सा वो भूभाग है जहाँ सीता जी प्रकट हुई थी, वो है जानकी स्थान सीतामढ़ी, उसका उल्लेख है। उर्विजा स्थान कौन है, सीतामढ़ी के बगल में जो तालाब है वह उर्विजा स्थान आज से नहीं है, सैकड़ों वर्षों से है। उसी प्रकार से जितने भी परंपरा है वो सब निभाता है जानकी मंदिर में। इसीलिए सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी में है। वृंदावन में एक एक कण जो है वृंदावन का, वो सब गोकुल वृंदावन मथुरा कहलाता है। उसी प्रकार से सीतामढ़ी में हलेश्वर कहा जा सकता है, पुनौरा आश्रम कहा जा सकता है, लेकिन सीता जन्मभूमि जो है, जैसे वृंदावन में कृष्ण जन्मभूमि एक ही है, उसी तरह से सीता जन्मभूमि सीतामढ़ी में है। और सीतामढ़ी के एक एक कण, एक एक गली कूची, यहाँ तक कि जितना भी विस्तार है, वो सब जो है से सीता जन्मभूमि है और सीता जन्मभूमि मानना चाहिए। हमारा आज प्रेस वार्ता करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि यहाँ का साहित्यकार, विद्वान, महात्मा, वृद्ध लोग जो इस विषय को अच्छी तरह से जान रहे हैं, लेकिन क्या मालूम क्यों उनका जवान बंद है या समझ में नहीं आता। आज नवभारत टाइम्स में मैं देखा हूँ, वो नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि सीता जी का जन्म पुनौरा में हुआ और उनको स्नान कराने के लिए जानकी मंदिर में लाया गया। मतलब उल्टा बात करता है ये, बिल्कुल न तो लॉजिक दृष्टि से, न तो साहित्यिक दृष्टि से, और न शास्त्रों की प्रमाण से ये सिद्ध होता है। ये सिर्फ सारे सीतामढ़ी वासियों का नहीं, अपितु पूरे सनातन विश्व में जहाँ भी सनातनी रह रहा है सबको भ्रमित करने का एक दुष्कर्म कर रहा है लोग। इस पर लगाम लगनी चाहिए। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले हनुमान चालीसा में गलती बता करके सुधार करने की दुष्कर्म किया है। आपको पता है तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत
रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। अरे रामायण में जो भी कुछ लिखा गया है, रामायण से मतलब सिर्फ रामायण नहीं, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, जितने भी उनके द्वारा रचित है, वो जितने ग्रंथ है, वो सारे ग्रंथ बोलते हैं कि मैंने लिखा जरूर है लेकिन मेरा एक भी शब्द नहीं है। वो 6 शास्त्र, 18 पुराण, वेद, उपनिषद सारे को निचोड़ करके मैंने लिखा है। उस व्यक्ति के शब्द को ये तोड़ रहे हैं, इनको ये पता नहीं है जब वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, शंकर सुवन केसरी नंदन, वो बोलते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब कितनी बड़ी, कोई एकदम साधारण पढ़ा लिखा आदमी भी इस तरीके से नहीं बोल सकता। शंकर सुमन, सुमन शब्द का अर्थ होता है, जानते हैं, वीर्य होता है। भगवान शिव का वीर्य वायु देवता के सहयोग से अंजनी के गर्भस्थल में स्थापित किया गया और अंजनी केसरी के पत्नी थी, इसलिए शंकर सुमन केसरी नंदन। अब आप केसरी नंदन के क्या अर्थ लगाओगे? मतलब इस तरीके से मूर्खतापूर्ण बात वो कर रहे हैं जिसको तो कोई साधारण आदमी भी नहीं समझ सकता। और आज कम से कम तो 350-400-500 वर्ष से तो लोग वही हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। इतना बीच के अंदर में कोई ऐसा धुरंधर विद्वान नहीं था कि हनुमान चालीसा में गलती निकाले। इनकी बड़ी किरकिरी हो रही है। एक बात और बता दूं आपको, बोलना नहीं चाहता था लेकिन आपने खोदा है, राम भद्राचार्य मात्र महामंडलेश्वर है, लिखते हैं जगत गुरु। सनातन संस्कृति में सिर्फ जगत गुरु वही लगा सकता है जो शंकराचार्य के पीठ पर बैठा हुआ है। ये सब जो ऐसे विकृति 40-50 वर्षों में आया है। इससे पहले आपने सुना था फल्ला जगत गुरु, अभी तो सब जगत गुरु लगाता है, हर एक व्यक्ति जगत गुरु लगा रहा है। ये साधु, ये प्रवचन करने वालों का, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग संस्कृत नहीं।